नमस्कार मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान चुनाव से पहले राजनीति को लेकर सारे एनालिसिस के साथ मैं एक बार फिर हूं आपके साथ कल हमने उत्तर प्रदेश की बात की थी उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरह से हलचल चल रही है उसकी बात की थी आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की पश्चिम बंगाल के पूरे एनालिसिस के साथ मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं चौदह साल बाद ममता बनर्जी को आखिरकार नंदीग्राम से ही फिर उम्मीद जगी है 2007 के नंदीग्राम संग्राम के बाद ममता बनर्जी राजकाज की दुनियादारी में फंस गई थी अब फिर से ममता बनर्जी ने जड़ों का रुख किया है इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं लगती ममता बनर्जी ने नंदीग्राम पहुंचकर वहीं से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है दरअसल नंदीग्राम की एक बार फिर से शुभेंदु अधिकारी की वजह से अहमियत बढ़ गई है टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जा चुके शुभेंदु बनर्जी नंदीग्राम से ही पश्चिम बंगाल विधानसभा पहुंचकर तृणमूल कांग्रेस सरकार में मंत्री हुआ करते थे लेकिन पाला बदलने से पहले ही वो इस्तीफा भी दे चुके हैं ममता बनर्जी की ही तरह बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी तृणमूल कांग्रेस नेता को चैलेंज किया है और कहा है कि अगर हराने में चूक गया तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा चुनावों से पहले आत्मविश्वास में भी बुराई देखने का कोई मतलब नहीं होता लेकिन शुभेंदु अधिकारी को भी ये नहीं भूलना चाहिए कि निश्चित रूप से नंदीग्राम उनका इलाका है लेकिन वो भी ममता बनर्जी के नाम पर ही राजनीति करते आए हैं ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी ने भी शुभेंदु अधिकारी को लेकर भस्मासुर जैसी धारणा बना ली है वरना बीजेपी नेता अमित शाह के और पत्ते खोलने से पहले इतना बड़ा कदम उठाना कतई जरूरत भरा नहीं लगता ऐसा लगता है ममता बनर्जी ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी है बीजेपी के बिछाए जाल में फस्ती जा रही हैं ममता बनर्जी ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का नहीं बल्कि करो या मरो जैसे आखिरी संघर्ष का ऐलान कर दिया है ममता बनर्जी को थोड़ा धैर्य बनाए रखना चाहिए था 2019 के आम चुनाव की बात और थी तब मोदी लहर हावी थी जिससे पूरा देश और बंगाल भी अछूता नहीं रहा ममता बनर्जी की राजनीति भी मोदी लहर में काफी झुलस गई थी आम चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का आत्मविश्वास बढ़ा रहा है तो वहीं ममता का भरोसा थोड़ा सा डिगा रहा है ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लोकसभा से तब भी अलग करके देखना चाहिए जबकि हर तरफ से उनके लिए नुकसान की ही खबरें आ रही हैं एक एक करके कई साथी पार्टी जो हैं वो उनको छोड़ती जा रही हैं उनसे अलग होती जा रही हैं लेकिन अगर ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों का भरोसा बनाए रखा तो ज़रूरी नहीं है कि नतीजे आम चुनाव जैसे ही हों चुनावों में भी काफी वक्त है और होना तो ये चाहिए कि ममता बनर्जी ही पश्चिम बंगाल की राजनीति का एजेंडा सेट करे और बीजेपी उस पर रिएक्ट करे लेकिन हो इसका बिल्कुल उलट रहा है बीजेपी नेतृत्व किसी ना किसी बहाने एजेंडा तय कर रहा है और ममता बनर्जी उस पर सहज तौर पर रिएक्ट करने की जगह बौखलाहट का प्रदर्शन शुरू कर दे रही है क्या ऐसा नहीं लगता कि ममता बनर्जी हड़बड़ी में बीजेपी के उकसावे में आने लगी हैं और एक शिकारी की तरह बीजेपी जैसे जैसे जाल बिछा रही है वैसे वैसे वो फंसती जा रही है जैसे कि हाल का एक वाक्य बताता हूं सौरभ गांगुली की तबियत अचानक खराब होने पर अस्पताल में उनको भर्ती होना पड़ा था ममता बनर्जी ने पूरी तत्परता दिखाते हुए अस्पताल जाकर हाल चाल लिया और बड़े ही संयंत्र तरीके से रिएक्ट किया वैसे मौके पर वैसी ही संजीदगी दिखनी चाहिए थी अभी ना तो सौरभ गांगुली ने और ना ही बीजेपी की तरफ से किसी तरह का संकेत दिया गया है कि बीसीसीआई अध्यक्ष के लिए बंगाल में कोई नया रोल तैयार किया जा रहा है राजनीतिक कयास लगाने के लिए ले देकर सौरभ गांगुली की मुलाकात का वाकया भर सामने आया है लेकिन बाउल गायक के बाद नंदीग्राम को लेकर ममता बनर्जी का रिएक्शन करीब करीब एक जैसा ही रहा ममता बनर्जी और बीजेपी नेतृत्व दोनों एक दूसरे को चैलेंज कर चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अभिषेक बनर्जी के डायमंड हार्बर और ममता बनर्जी के भवानीपुर इलाके का रुख किया तो ममता बनर्जी ने बीजेपी के नए गढ़ के रूप में देखे जा रहे नंदीग्राम का रुख कर लिया है अमित शाह बाउल गायक वासुदेव दास के घर लंच कर रहे हैं तो उसी इलाके में पहुंचकर वो खाना पकाकर खिलाने लगे और उसी वक्त बाउल गायक को स्टेज पर बुलाकर अपनी तारीफ से गीत गवाने लगी और ममता बनर्जी ने नंदीग्राम जाकर भवानीपुर के साथ साथ नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया ममता बनर्जी ने अपने तरीके से शुभेंदु अधिकारी के पार्टी छोड़ने का कम महत्व देते हुए मतलब जो उनकी पार्टी का शुभेंदु अधिकारी थे जिन्होंने पार्टी छोड़ी है उनको कम महत्व देते हुए नजर आने की कोशिश की है ममता बनर्जी समझाती हैं कि उनको फिक्र इसलिए भी नहीं हो रही क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की स्थापना के समय वे लोग नहीं थे ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की स्थापना उन्नीस में की थी ये आपकी जानकारी के लिए बता दिया और ऐसा बोलकर वो शुभेंदु अधिकारी के ना होने की चिंता से तृणमूल कार्यकर्ताओं को मुक्त कराने का प्रयास कर रही है ममता बनर्जी ने नंदीग्राम की रैली में कहा मैंने हमेशा से नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत की है ये मेरे लिए भाग्यशाली स्थान है इस बार मुझे लगा कि यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए मैं प्रदेश पार्टी अध्यक्ष सुब्रत बख्शी से इस सीट से मेरा नाम मंजूर करने की गुजारिश करती हूँ आखिर ममता बनर्जी ने बीजेपी नेता अमित शाह से पहले ही हड़बड़ी में नंदीग्राम जैसा ब्रह्मास्त्र क्यों चल दिया शुभेंदु अधिकारी के भी पाँव नहीं पड़ रहे जमीन पर ममता बनर्जी अपनी जड़ों की ओर लौट रही हैं नंदीग्राम से राजनीति चमकाने वाली ममता बनर्जी फिर से उसी इलाके के लोगों की शरण में जा चुकी हैं और शुभेंदु अधिकारी अपनी जड़ काटने और राजनीतिक ट्रांसप्लांट के बाद किस्मत आजमा रहे हैं नंदीग्राम ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के राजनीति की मजबूत नींव रखी थी यह सही है कि बीते वर्षों में इलाके को शुभेंदु अधिकारी के नाम से जोड़कर देखा जाने लगा लेकिन वो भी तो ममता बनर्जी का प्रतिनिधित्व ही कर रहे थे ममता बनर्जी का ही तो काम कर रहे थे कल मैं फिर हाजिर हूँ एक अन्य राज्य के राजनीतिक एनालिसिस के साथ तब तक आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में लगातार और भी खबरें देखने के लिए जानकारी लेने के लिए बेल आइकन को ज़रूरी दबाना भूलिएगा नहीं तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ धन्यवाद